हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये कुरकुरे से मसालेदार करेला चिप्स बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आज शेयर करूँगी आपके साथ ये रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से देके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेलों को तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तीन अच्छे बड़े साइज़ के करेले लिए हैं, आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम्स इन टोटल हैं ये। पहले इसकी साइज़ को कट कर लिया मैंने, उसके बाद अच्छे से इसको धोकर अब मैं इसको स्लाइसेस में काट कर तैयार कर रही हूँ। स्लाइस किस तरीके के काटने हैं इसके, बहुत ज़्यादा थिक स्लाइस नहीं काटेंगे हम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा थिक काटेंगे तो फिर कुरकुरे एकदम जैसे करारे करारे हमारे चिप्स बनने चाहिए वैसे नहीं बन पाएंगे, थोड़ी देर में सॉगी हो जाएंगे चिप्स अगर बहुत थिक स्लाइसेस हम कट करेंगे तो। और बहुत ज़्यादा बारीक छिलके जैसे स्लाइसेस भी हम नहीं कट करेंगे, क्योंकि फिर वो टूटने लगते हैं फ्राई करते टाइम, फ्राई करने के बाद। तो ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन, रेगुलर से साइज़ के आप इस तरीके से स्लाइसेस करेले के काट के तैयार कर ले। मैंने इसको बिल्कुल भी स्क्रेप ऑफ नहीं कराए करेले को, आप देख सकते हैं पूरी एज इट इज़ मैंने करेले को काट कर तैयार कर लिया। अगर आपको करेला बहुत ज़्यादा कड़वा कर लगता है तो आप थोड़ी सी साइड्स इसकी स्क्रेपर की मदद से स्क्रेप कर सकते हैं, या दूसरा मेथड कड़वाहट कम करने के लिए जो मैं कर रही हूँ, जैसे कि इसमें नमक डाल देंगे सबसे पहले हम करेला काट कर तैयार करने के बाद। अच्छे से नमक को मैंने मिला दिया है सारे करेलों में और थोड़ी सी इसकी कड़वाहट और कटे, नमक से तो कटेगी साथ में जब हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस इसमें निचोड़ रही हूँ, एक पूरा नींबू लेके मैंने इस तरीके से रस निचोड़ दिया, जिससे कि जो नमक है और उसके ऊपर जब नींबू डालेगा तो करेले की जो बिटरनेस है उसको काटेगा। तो थोड़ी सी बिटरनेस कम करने के लिए इस तरीके से आप नमक लगाकर इसको 15-20 मिनट तक छोड़ सकते हैं। अगर आपको कड़वाहट पसंद है करेले की तो आप डेफिनेटली ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो ये मैंने 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था साइड में और अब इसको दूसरी छन्नी में निकाल रही हूँ मैं, ताकि इसको अच्छे से धो सकें हम और सारा नमक जो इसमें है वो निकल जाए। तो अच्छे से धो लेते हैं इसको, और धोने के बाद अब इस तरीके से इसके जो बीज सख्त वाले जो हार्ड बीज हैं उनको निकाल देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी पूरी जो प्रोसेस थी, ये थी करेले को तैयार करने की। तो करेले को इस तरीके से आप अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लें, जो थ्रू आउट मैंने आपको अभी दिखाया है। तो बीज निकाल के करेला बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने नमक भी निकाल लिया इसमें से अच्छे से इसको धोकर, और ये अब बिल्कुल तैयार है। मसाला लगाएंगे इसके ऊपर और इसको करेंगे फ्राई। तो ये करेले बिल्कुल रेडी हैं और ये जो बीज थे ये देख सकते हैं आप, ये हम कर देंगे डिस्कार्ड। तो मैंने इसको एक बड़े इस तरीके से वेसल में निकाल लिया है, ताकि एकदम अच्छे से सब करेलों पे मसाला लग पाए। एक चम्मच डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, डेढ़ चम्मच इसमें डाल रही हूँ अमचूर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मेरे पास ये गार्लिक पाउडर है तो मैंने इस्तेमाल करा है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, और एक चम्मच जीरा पाउडर, और उसके बाद नमक। साथ में इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, जैसा मैंने बताया था करारे बनाने के लिए हम करेला क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है मैंने, और साथ में ये 5 जो है हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिसको बीच में से स्लिट कर रखा है। और ये हरी मिर्च भी हम करेलों के साथ फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं मसालेदार से ये करेले और हरी मिर्चें एकदम कुरकुरी सी। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया आप देख सकते हैं, और बस अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे फ्राई। तेल मैंने गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें करेलों को फ्राई करने के लिए, क्योंकि करेले की हल्की सी कड़वाहट जो है वो तेल में आ जाती है और तेल फिर जो है वो रीयूज़ नहीं हो पाता किसी और चीज़ में। तो करेलों को बहुत कम तेल करके ही, गरम करके ही फ्राई करें। तेल को अच्छा तेज़ गरम कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको थ्रू आउट फ्राई करेंगे, धीमी फ्लेम करके हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो अच्छा तेज़ तेल गरम करने के बाद करेले इतने ही डाले हैं मैंने जितने हम पैन में एक बारी में आ सके, और साथ साथ डाल दिए ये 4-5 करी पत्ता यानी कि करी लीव्स, जिससे कि एक अच्छा अरोमा, अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली भी करेलों को फ्राई कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से फ्राई करें कि इस तरीके का गोल्डन ब्राउन अच्छे से करेले हो जाएं, और बस उसके बाद इसको निकाल लें एक पेपर टॉवल पर या किसी टिश्यू पेपर पर। तो देखिए
ये करारे करारे से हमारे करेले चिप्स बिल्कुल बनकर हो चुके हैं रेडी। ध्यान ये रखें आप कि बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड ना करें पैन को, ज़्यादा अगर आप एक बार में डालेंगे तो फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएंगे करेले, और करेले इतने अच्छे फ्राई होने चाहिए कि एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका कलर फ्राई करने के बाद। तो ये देखिए एक बैच मैंने फ्राई कर लिया, इसी तरीके से अब दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर लूँगी, और मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब जितने करेले थे उसको तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड करके फ्राई कर रही हूँ। तो ये दूसरा बैच मैंने डाल दिया, और तेज़ आंच पे ही मैं करेलों को थ्रू आउट फ्राई कर रही हूँ। मैं जैसे मैंने पहले बताया दो चार करी पत्ता फ्लेवर के लिए डाल देते हैं, और ये करी पत्ता बड़े अच्छे लगते हैं जब ये फ्राई हो जाते हैं, एक अच्छा एरोमा तो ऐड होता ही और इसका फ्लेवर तो है ही बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से सारे करेले फ्राई करके निकाल लेते हैं हम। तो जो लास्ट का बैच मैंने फ्राई करा है, जो थर्ड बैच मैंने आपको बताया जो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके फ्राई करा है, तो जब करेलों में हल्की सी कसर रह गई है तो मैंने इसमें जो हरी मिर्चें थी, जो हरी मिर्चें कोट करी थी मसाले में, वो भी डाल दिए। हरी मिर्च फ्राई करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें आप, इस तरीके से आप लिड से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि जब हरी मिर्च गर्म तेल में डालते हैं तो स्प्लटर करती हैं, यानी कि ऊपर आती हैं एकदम, तो ध्यान रख कर आपको हरी मिर्चों को फ्राई करना है। तो मैं इस तरीके से लिड लगा लेती हूँ जब भी हरी मिर्चों को फ्राई करती हूँ, जिससे कि प्रोटेक्शन रहे और एकदम से हरी मिर्चें ऊपर ना आए। सारे करेले फ्राई करके तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, और साथ साथ ये हरी मिर्चें भी फ्राई हो गई हैं, जो बहुत ही बढ़िया लगती हैं जब आप सर्व करेंगे इसे किसी भी तरीके के खाने के साथ या सिंपल पराठे के साथ। तो कितने करारे बने हैं ये करेला चिप्स, ये तो आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया है। एकदम बढ़िया से क्रिस्पी करेला चिप्स, ये देखिए, मैं तो इसे सिंपली बिना किसी चीज़ के भी बहुत इंजॉय करती हूँ। सिंपल इस तरीके से भी आप करेले के चिप्स जो हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इतने डिलिशियस हैं, क्रिस्पी हैं, और साथ साथ थोड़ी सी करवाहट भी इसकी कम हो जाती है जब हम इसमें नमक लगा देते हैं। तो ये सिंपल इस तरीके से भी एज अ स्नैक भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं पराठे के साथ इस तरीके से क्रिस्पी से ये करेला चिप्स, या फिर आप मेरी तरह इसे पूरी कंप्लीट मील की तरह सर्व कर सकते हैं, कंप्लीट थाली लगा के दाल है, चावल है, चपाती है, और साथ साथ ड्राई सब्जी में सर्व करें ये सिंपल से करेला चिप्स और साथ में फ्राई की हुई मिर्ची। ये बन गया आपका कंप्लीट प्लेटर जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मैं इंजॉय करती हूँ ये डिलीशियस थाली, और आप भी किस बात की वेट कर रहे हैं, फटाफट से करेले बनाइए और ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये रेसिपी। जल्दी ही हाजिर हो जाऊँगी एक और नई इंटरेस्टिंग सिंपल इजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, स्टे सेफ एंड एन्जॉय।